नमस्कार, स्पार्क टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त जो जूनियर क्लर्क का जो पेपर है, वो पेपर डिस्पैचिंग का जो काम है वो यहाँ से किया जाएगा, जो कलेक्टर कचहरी के पास से जो पेपर डिस्पैचिंग का जो काम है वहाँ से वो पेपर डिस्पैचिंग का काम किया जाएगा। जो देख सकते हैं, जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, पेपर डिस्पैचिंग का जो काम है वो शुरू हो चुका है। जो बड़ोड़ा के जो तमाम 120 परीक्षा केंद्र है वहाँ पर यहाँ से पेपर डिस्पैचिंग का काम किया जाएगा। जो तमाम जो तंत्र है उसके पीछे मौजूद है डीसीपी जोन 2 अभय सोनी यहाँ पे मौजूद है। हाल जो चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच में जो परीक्षा केंद्र 120 परीक्षा केंद्रों पे जो पेपर डिस्पैचिंग का काम वो पूरी पुलिस की निगरानी में और सीसीटीवी देख सकते हैं, सीसीटीवी की निगरानी में पेपर को रखा गया है। और अभी थोड़ी देर में यहाँ से परीक्षा केंद्रों पे जो पेपर है पेपर डिस्पैचिंग का काम किया जाएगा। वडोदरा की जो 120 परीक्षा केंद्र है वहाँ पर ये पेपर डिस्पैच किया जाएगा। जो तमाम जो स्टाफ है चाहे इमिलिटेटर हो, वो यहाँ से पेपर डिस्पैच करके साथ में लेके जाएंगे। पुलिस की पुख्ता बंदोबस्त की गई है। पुलिस की पूरी पुख्ता बंदोबस्त की जो तमाम 120 परीक्षा केंद्र है वडोदरा के, वहाँ पे पेपर डिस्पैचिंग की जो काम जो पेपर डिस्पैचिंग का जो काम है वो किया जाएगा यहाँ से। जो वडोदरा समेत जो बाकी जिलों की बात की जाए तो आज लगभग 9 लाख परीक्षार्थी आज के दिन परीक्षा देंगे जूनियर क्लर्क की। तमाम पुलिस बल देख सकते हैं, इस वक्त तमाम पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है। जब परीक्षा અમે લોકો જે એસઓપી મુજબ અમને સૂચના આપવામાં આવેલી છે એની જે અમે કામ કરી રહ્યા છીએ, પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત છે અને કોઈ પણ પ્રકારની ગેરરીતિ નહીં થાય તે માટે અમે તકેદારી રાખી રહ્યા છીએ। ચેકિંગ પણ રાખવામાં આવશે, પરીક્ષા ચેકિંગ ફિસ્કિંગ સીસીટીવીથી જે છે તકેદારી પણ રાખવામાં આવશે અને ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે આ જે એક્ઝામ છે આ પૂરા કરવામાં આવશે। 800 થી વધુ તો અમારા સ્ટાફ બધા જે એક્ઝામ સેન્ટર ત્યાં છે। આના પછી અમારી અત્યારે ગાર્ડ ત્યાં સ્ટ્રોંગરૂમ ખાતે હાજર છીએ। પછી અમારા જે રૂટ ઉપર લઈ જવા છે એમને જોડે અત્યારે ગાર્ડ છે, તો આ કરીને અમારો ચુસ્ત બંદોબસ્ત અહીંયા રાખવામાં આવેલો છે। ઠીક છે, જી તો તમામ જૈસા કે ડીસીપી ઝોન 2 અભય સોની યહાં પર મોજૂદ હૈ, જો તમામ જો માહિતી થી વો બતાઈ ગઈ ઉનકે દ્વારા કે જો પુખ્તા બંદોબસ્ત કી ગઈ હૈ પુલિસ કે દ્વારા, સાથ હી સાથ જો સીસીટીવી હૈ, સીસીટીવી હર એક પરીક્ષા કેન્દ્ર પર સીસીટીવી ભી રહેગી, સીસીટીવી સે ભી મોનિટરિંગ હોગી। દેખ સકતે હૈ જો તમામ પુલિસ બલ હૈ વો મોજૂદ હૈ ઇસ વક્ત, ઓર યહાં સે પેપર ડિસ્પેચિંગ કા કામ કિયા જાયેગા। થોડી ક્ષણો મેં યહાં સે જો પેપર હૈ વો પેપર બરોડા કી તમામ 120 પરીક્ષા કેન્દ્રો પે લે જાયા જાયેગા। લગભગ 12 બજે કે 12 બજે
तक का टाइम दिया गया है सारे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का। परीक्षा 12 बजे के बाद परीक्षा 12 बजे से परीक्षाएं शुरू होंगी। तमाम 120 वडोदरा के सेंटरों पर परीक्षा ली जाएगी। लगभग आज के दिन पूरे गुजरात की बात की जाए तो पूरे गुजरात में लगभग 9 लाख से अधिक परीक्षार्थी आज के दिन परीक्षा देंगे। तो यहाँ से जो पेपर डिस्पैचिंग का काम है बड़ोदरा की तमाम 120 परीक्षा केंद्रों पे पेपर डिस्पैचिंग का काम किया जाएगा। कुछ ही देर में परीक्षा केंद्रों पे ये पेपर पहुंच जाएंगे जो परीक्षार्थी हैं 12 बजे तक का टाइम दिया गया है परीक्षार्थियों को, जो परीक्षा है 12 बजे से शुरू हो जाएगी। कैमरामैन गौतम के साथ मैं मनीष, स्पार्क टूडे न्यूज़ वडोदरा।